हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास। तो दोस्तों, आज मैं आपको पवन दूतका पार्ट एक, जिसके मैंने दो भाग बढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप भाग दो देखें पहले, उसके बाद भाग तीन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सुनिएगा कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, प्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लहके मीर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्श हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू मथुरा नगर में पहुंचेगी तो तू वहां की शोभा को देखकर अत्यंत ही उत्सुक होगी। न्यारी शोभा वर्णनगर की देखना मुग्ध होगा। जब तू वहां की न्यारी शोभा को देखेगी तो तू अत्यधिक मोहित हो जाएगी। तू होवेगी चकित लहके मीर से मंदिरों को, तो वहां पर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को देखकर तू अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाएगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं, और वहां पर दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल पर्वत जब तू देखेगी तो तेरे आश्चर्य का ठिकाना ना। तो देखिए अगला पैराग्राफ कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर लब से मुग्ध हो बजाना। देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हे वायु, जब तू शाम के समय जब मंदिर में पूजा हो तो तू वहां पर चले जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहां पर अनेक प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके उनकी मधुरता को और बढ़ा देना, किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकाली फलों को, और वहां पर मंदिर परिसर में लगे हुए फलों को जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर लब से मुक्त हो बजाना। उसे धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुक्त होकर अपना राग अवश्य बजाना। तो देखिए अगला पैराग्राफ, तू देखेगी जलत रंग को जा वही तलकता हो, होंगे लोने नयन के ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्छित सौम्यता की, सीधे साधे वचन होंगे सिक्त होंगे सुधा से। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे वायु, तू देखेगी जलत रंग को, मतलब कि जब राधा जी कहती हैं कि जब तू श्री कृष्ण के बादल के समान शरीर को देखेगी तो तू अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाएगी। होंगे लोने नयन के ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्त सी सौम्यता से, उनके मुख की शोभा एक मूर्ति के समान शोभायमान होगी, और सीधे साधे वचन के सिद्ध होंगे सदा से, और जब वो अपने मुंह से बोलेंगे तो उनके मुंह से अमृत रूपी शब्द निकलेंगे। देखिए अगला पैराग्राफ, नीले फूले कमल दिल से गात की श्यामता है, प्यारा पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवेला, छोटी काली अली मुख की कांति को है बढ़ाते, सद वस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। कि जब तू नीले फूले हुए कमल के पुष्प के समान श्री कृष्ण के शरीर को देखेगी तो तू अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाएगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवेला, श्री कृष्ण जी अपनी कमर में पीला वस्त्र धारण किए हुए होंगे, छोटी काली अलग मुख के कांति को बढ़ाती, और उनके मुख पर बालों की एक लटक होगी जो उनकी मुख की शोभा को अत्यंत बढ़ा रही होगी, सद वस्त्रों से नवल तन से फूर्ति सी प्रभा होगी। मतलब उनके शरीर पर नए वस्त्र अत्यंत ही सुशोभित हो रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है।